एक मंच पर नजर आए मोदी, योगी और धुर विरोधी। संजय राउत, दिग्विजय सिंह जैसे विरोधी भी हुए एकजुट। पक्ष और विपक्ष सभी ने मिलकर दिया अमन को आशीर्वाद। कौन है लड़की जिसके लिए एकजुट हो गए मोदी और विरोधी? उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस, सपा, एनसीपी जैसी विपक्षी पार्टियों और बीजेपी के बीच किस कदर 36 का आंकड़ा रहता है, ये बात तो आप भी जानते हैं। सड़क से लेकर संसद तक दोनों के बीच जबरदस्त तकरार देखने को मिलती है। मगर बात जब तमाम शादी या रिसेप्शन जैसे शुभ अवसर की आती है तो यही विरोधी एकजुट हो जाते हैं और तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए अपने विरोधी नेता के समारोह में शिरकत होने पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त भी देखने को मिला जब मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन की शादी के बाद एक आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ साथ सांसद संजय राउत, कांग्रेस नेता संजय निरुपम जैसे विरोधी भी नजर आए। दरअसल यूपी के मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना दल की सांसद होने के साथ साथ अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्हें सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है और हाल ही में उनकी छोटी बहन अमन पटेल की शादी हुई थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक आशीर्वाद समारोह आयोजित किया था, जिसमें शामिल होने के लिए खुद पीएम मोदी भी पहुंचे और वर वधु को आशीर्वाद दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए अनुप्रिया पटेल ने लिखा, छोटी बहन अमन और समीर के शुभ विवाह के बाद आयोजित आशीर्वाद समारोह में वर वधु को भावी सुखद जीवन के लिए मिले माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद ने हमें गौरवान्वित किया है। ये गौरवमयी क्षण मेरे और हमारे परिवार के लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। पीएम मोदी के अलावा यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी समय निकाल कर वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे। उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर नवविवाहित जोड़े अमन और समीर को आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, संजीव बालियान, स्मृति ईरानी, बीजेपी सांसद विप्लव कुमार देव जैसे तमाम बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए और वर वधु को आशीर्वाद दिया, जबकि विपक्ष की ओर से भी कई पार्टियों के नेता इस समारोह में नजर आए। इस तस्वीर में जहां एनसीपी चीफ शरद पवार, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में सपा सांसद रामगोपाल यादव नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आशीर्वाद समारोह की एक और तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज सांसद दिग्विजय सिंह को भी देखा जा सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर में आप सपा सांसद जया बच्चन को भी देख सकते हैं। इन तमाम विपक्षी नेताओं के अलावा उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी से सांसद संजय राउत, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला, एलजेपी सांसद चिराग पासवान, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन को आशीर्वाद देने पहुंचे। इस आशीर्वाद समारोह में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक तमाम पार्टियों के नेता नजर आए, जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि ये वही नेता है जो संसद से लेकर सड़क तक एक दूसरे पर वार पलटवार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बात जब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन को शादी के बाद आशीर्वाद देने की आई तो सभी पक्ष विपक्ष के नेता एकजुट नजर आए। यही इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लगता है कि देश में लोकतंत्र ही नहीं है और लंदन में जाकर बोलते हैं कि अगर यूरोप से 3 या 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। असल में भारत में ऐसा हो चुका है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। इसकी वजह ये है कि कारोबार और पैसे का मामला है। अमेरिका से आबादी में 3 से 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और इसकी रक्षा करने का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप चुपचाप देख रहे हैं। राहुल गांधी के ऐसे बयान को लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है और बीजेपी के साथ साथ मोदी सरकार भी उनसे माफी की मांग कर रही है। बहरहाल कांग्रेस के इन आरोपों के बीच जिस तरह से शादी समारोह के बहाने ही सही पक्ष और विपक्ष के नेताओं की ये तस्वीर सामने आई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं समारोह की कुछ और खूबसूरत तस्वीरों के साथ।